फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड फन ऑल इन वन। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन ही माध्यिका, और ये दो तरह का होता है, अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा मीन्स अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट, अपना फीडबैक भी देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन, मीडियन वह होता है जब हम लोग किसी भी अव्यवस्थित आंकड़े को या फिर नंबर ऑफ अनग्रुप स्कोर को जब हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग में, छोटे से बड़े ऑर्डर में, तो उसे कहते हैं मीडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखिए, मीडियन जो है वो दो तरह के, एक अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए निकाला जाता है। अनग्रुप डाटा मीन्स अव्यवस्थित आंकड़े या फिर अवर्गीकृत आंकड़े भी इसे कहते हैं, और ग्रुप डाटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा में जो है नंबर्स जो है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है अनग्रुप डाटा के लिए, माध्यिका, मीडियन को माध्यिका और मध्यांक भी कहते हैं। मीडियन मीन्स एमडी, एमडी मतलब हो गया मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, विथ टर्म मीन्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वा पद, ठीक है। यहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर्स बोल सकते हैं, नंबर्स प्राप्तांकों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, ये होता है हमारा एन। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या के लिए पहले करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा डेटा क्या है, 15, 8, 10, 9, 7, 11 और 13। तो हम लोग पहले इसे, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग देखा था कि पहले इसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर आता है। तो यहाँ सबसे छोटा 7 है, तो पहले मैंने 7 को अरेंज किया इसको। तो पहले 7 लिखा, देन 8, फिर 9, 10, 11, 13 और 15। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, मैंने दोनों लैंग्वेज में ही इसे बनाया है। तो एमडी क्या होता है, एमडी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, एमडी मतलब माध्यिका। मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू विथ टर्म। तो एन क्या था, प्राप्तांकों की संख्या, नंबर ऑफ स्कोर। तो नंबर ऑफ स्कोर काउंट करेंगे हम, कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ स्कोर इज 7। ओके, नाउ अब एन के जगह हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब मैंने एन के प्लेस पे 7 पुट किया, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 और प्लस 1 को ऐड किया, तो मैंने 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, फोर्थ टर्म मतलब चौथा पद। तो यहाँ से हम देखेंगे कि चौथा पद में क्या है, जो मैंने अरेंज किया था उसके बाद वाले में हम देखते हैं। तो चौथा पद क्या है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद में है 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है दोस्तों। ये था विषम संख्या के लिए। अब हम लोग आते हैं सम संख्या के लिए, इवन नंबर के लिए। तो जो स्कोर दिया हुआ है या जो भी अंक दिए रहते हैं, ये क्या दिए हैं, 17, 18। तो इसे हम पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो देखिए हमारा यहाँ पर ही सबसे छोटा क्या था, 8, तो मैंने 8 लिखा, देन 12 लिखा, 13, 14, 16 और 17 अरेंज कर दिया मैंने। तो अब यहाँ n हम काउंट करेंगे कि n कितना है। तो n क्या था, नंबर ऑफ स्कोर। तो n हम काउंट करते हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 क्या होता है, इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो n लिख दिया मैंने 6। md मीन्स माध्यिका मीन्स मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। सेम फॉर्मूला रहेगा दोस्तों दोनों के लिए, अलग अलग बुक में अलग अलग दिए रहते हैं। जैसे NCERT में अलग फॉर्मूला दिया है, n बाई टू प्लस वन करके, तो वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम ही आएगा। चलिए मैंने दोनों में सेम फार्मूला इसलिए लगाया है कि याद करने में इजी रहेगा और ये शॉर्टकट होता है, थोड़ा याद करने में आसानी होती है। तो n कितना था, 6, तो n के प्लेस पे मैंने 6 पुट किया, तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 1 इज 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.5th टर्म मतलब 3.5 वा पद आ गया हमारा। तो देखिए 3.5 पद वा
जो होता है वो तीन तीन में भी आता है और चार में भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय टू। तो क्या किया मैंने, थर्ड टर्म मैंने यहाँ देखा अरेंज जो किया था, तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज 13 आया था, तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म के प्लेस पे 13 लिख दिया। फोर्थ टर्म 14 है तो फोर्थ टर्म के प्लेस पे 14 लिख दिया डिवाइडेड बाई टू, तो डिवाइडेड बाई टू कर दिया। तो 13 और 14 को ऐड किया तो 27 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 13.5। तो देखिए ये आ गया हमारा मीडियन, मतलब माध्यिका। अगर आपको हमारा काम थोड़ा ही पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप और भी किसी प्रकार के आपको डाउट हो तो आप हमें क्वेश्चंस नीचे कमेंट में दे सकते हैं। एक आसान सा फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर ही बताया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।